हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हम अब तक पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में भी, भारत के इम्पोर्टेंट मैन मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके कार्य, उसका जो थर्ड पार्ट है, फिर से हम आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट व्यक्ति ऐसे लेके आए हैं जिनके कार्य और नाम आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट से। तो आज हम वो शेयर करेंगे। और मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, जिन्होंने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर करिए और लोगों के बीच में भी नॉलेज पहुंचाइए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो एक्चुअली में क्या है और क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर मैं पढ़ूं तो वो है आपका, भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन है। भाई देखो, मैं भोपाल से हूँ तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ, मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। मुझे पहले से जो जानने की, जब मैं पढ़ता था तब मुझे जानने का बहुत लगता था, हाँ ये जो चीज़ें बनी हैं किसके द्वारा बनाई गई हैं, इसका वास्तुकार कौन है या इन्वेंशन कहाँ से कहाँ हुआ है, तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पर। तो चलिए आपके बीच भी शेयर करता हूँ, भारत भवन भोपाल का वास्तुकार कौन है। तो चार्ल्स कोरिया, आपका आंसर क्या है यहाँ पर, चार्ल्स कोरिया है। अब मैं बात कर लूं भाई, मेरी ही स्टेट की है एक और सिटी, इंदौर। इंदौर की स्थापना किसने की थी, तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने की थी दोस्तों, रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न जो मैं तीसरा आज का आपके लिए लेके आया हूं, गुलाब के इत्र का, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था। तो भाई गुलाब के इत्र का जो आविष्कार है ना, आपने देखा होगा, नूर जहां ने किया है। किसने किया है, नूर जहां ने किया है। अब अगला प्रश्न मैं आपके सामने जो पढ़ने वाला हूँ वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के जो जनक है वो कौन है, तो ये है कपिल मुनि। कौन है, कपिल मुनि। भाई योग दर्शन, फिर से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया था भाई, तो ये किसके द्वारा आया है, ये आया है पतंजलि के द्वारा। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ूं, न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन गौतम जी के द्वारा। अगला प्रश्न मीमांसा दर्शन, क्या नाम है अब अगला, मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था भाई, जैमिनी के द्वारा। अगला प्रश्न पढ़ता हूं, देखो ऊपर पढ़ा आपने मीमांसा, अब आपके लिए आया है उत्तर मीमांसा दर्शन, किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था बादरायण द्वारा। किसके द्वारा, बादरायण द्वारा। अगला प्रश्न मैं पढ़ूं, हाँ पढ़ सकता हूं, सुखवाद, सुखवाद जो है ये कौन है, किसके द्वारा दिया गया, ये इसके जनक कौन है जो ये सुखवाद है, तो इसके हैं चार्वाक। कौन है आपके, चार्वाक। बौद्ध धर्म किसके द्वारा दिया गया, सब जानते हैं महात्मा बुद्ध द्वारा। जैन धर्म किसके द्वारा दिया गया, तो महावीर स्वामी द्वारा। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक जी। कौन थे ये, गुरु नानक जी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, राजा राममोहन राय। और आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना वो कहाँ होता है, हम ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ऊपर नीचे टिक कर देते हैं, मतलब हम दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिए, जहां ब्रह्म आता है, ब्रह्म समाज, वो किसका है, तो राजा राममोहन राय का। और अगर मैं आर्य समाज की बात करूं तो वो है दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने। किसने, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेद समाज की स्थापना, तो श्रीधर नायडू ने। किसने की थी, श्रीधर नायडू ने। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत होता हूं, थियोसोफिकल, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लेवेत्स्की एवं हेनरी अलकाट ने। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम ब्लेवेत्स्की एंड हेनरी अलकाट ने। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेके जो आया हूं वो है सत्य शोधक, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थे ज्योतिबा फूले। किसने की थी, ज्योतिबा फूले जी ने। अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने पढूं तो वो है कूका विद्रोह, कूका विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण कौन था जो इसमें जिनने योगदान दिया, तो वो राम सिंह जी। क्या नाम है इनका, कूका विद्रोह के कौन थे नेता थे, जो राम सिंह जी थे। अगला अगर मैं पढूं, अड्यार आश्रम, अड्यार आश्रम की स्थापना एनी बिसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बिसेंट के द्वारा, ठीक है। अरुविले आश्रम, एनी बिसेंट अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो था ही पहली महिला
अध्यक्ष थी कांग्रेस की भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न जो है, अरुविले आश्रम, अगर मैं आपसे बात करूं अरुविले आश्रम इसकी स्थापना किसने की थी, भाई अरविंद घोष। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा दिया गया, तो हमारे विवेकानंद जी द्वारा, महान व्यक्ति थे ये, इनका योगदान तो आप सभी जानते हैं। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी द्वारा, ये भी किसके द्वारा दिया गया, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। विवेकानंद जी ने अपना पहला भाषण शिकागो में, ये पहले व्यक्ति थे जिनने शिकागो में भाषण दिया था भारत से, ये कब दिया था, 1893 में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वहाँ सभी स्तब्ध रह गए थे, सब ने वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा जो इनने फेम पाया है वो आप सब जानते हैं। तो विवेकानंद जी तो हम सभी युवाओं के लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़े आइडल हैं, तो हमें उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। अगला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, देखिए फिर से उन पर ही आ गया है। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ठीक है, तो ये कौन, विवेकानंद जी द्वारा, ये किसके द्वारा आई, विवेकानंद जी द्वारा, किसके नाम पर, विवेकानंद जी के। गणेश एवं शिवाजी उत्सव, ये जो आया है शिवाजी उत्सव, ये मेनली महाराष्ट्र का है अगर मैं आपसे जोन वाइज बोल दूँ तो, क्योंकि गणेश और शिवाजी उत्सव जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो श्री बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अब मैं अगर आपसे बात करूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके स्थापक कौन थे, तो भाई विलियम जोन्स, कौन थे, ये अंग्रेज थे, विलियम जोन्स। साइंटिफिक सोसाइटी अब्दुल लतीक, किसके द्वारा, ये अब्दुल लतीक के द्वारा। मोहम्मद डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर, किसके द्वारा बनाए, किसके है, किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना, सॉरी मोहम्मद डन है ना, यही है ना, मोहम्मद एंग्लो मोहम्मद डन नहीं है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो ये की है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा सर्वप्रथम किसके द्वारा बुलाई गई थी या इसके संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न मैं आपसे पढ़ूं, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ये अगर देखे जाए तो इसके लिए दादा भाई नेहरू जी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था या जो लेके आए थे इसको। रहनुमाई मज दायसन सभा ये किसके द्वारा, तो ये भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह, ये किसके द्वारा किया गया था, सिद्ध एवं कानू द्वारा, किसके द्वारा, सिद्ध एवं कानू द्वारा। मुंडा विद्रोह ये किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा, किसके द्वारा, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न मैं आपके सामने बोलूं, रेलवे डाक तार विभाग, इंडिया में बात कर रहा हूं ये सारी चीजें मैं, रेलवे डाक तार विभाग PWD की स्थापना एवं हड़प नीति ये किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये आपके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कौन थे इसके संस्थापक, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, उस टाइम पे ये जनरल थे और ये कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे। तो अगला देखूं मैं तो खुला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड पेरी ने की थी, ठीक है, ये भी कहाँ के हैं, ये भी इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला चिकित्सालय सर्वप्रथम 1885 में आया था इंडिया में, जिसकी स्थापना की थी लेडी डफरिन ने, किसने, लेडी डफरिन ने। पुलिस व्यवस्था लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये उस टाइम पे तो देखिए अंग्रेजों का ही राज था हमारे ऊपर, तो उस टाइम पे कौन लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस 1793 में। स्थाई बंदोबस्त अगर मैं बोलूं तो ये किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, ये भी किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। अब अगला अगर मैं आपसे पढ़ूं, अंग्रेजी शिक्षा के साथ कौन लेके आया था सर्वप्रथम भारत में, तो इसका आंसर है लॉर्ड मैकाले, ये भी आप लोग सब समझ गए होंगे ये कहाँ के हैं, ये भी इंग्लैंड के हैं। सहायक संधि सर्वप्रथम कौन लाया था, तो ये लॉर्ड वेलेचली लेके आए थे, ये भी कौन थे, ये भी वायस राय थे, ये कहाँ के थे, ये भी इंग्लैंड के थे। रैयत वाडी व्यवस्था भारत में कौन लेके आया था, थॉमस मुनरो, इसका आंसर क्या है, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न जो पढ़ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, सती प्रथा निषेध कानून, कन्या वध, नर बलि, पिंडारी,
ठगों का अंत, ये सब जो था इनके लिए कानून और इनके रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम कौन आगे आया, किसके द्वारा किया गया, तो ये अंग्रेज ही थे जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला पढ़ लेता हूं दोस्तों, दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, द्वितीय अफगान युद्ध, ये सारी चीजें जो हैं ये किसको बिलोंग करती हैं, किसके द्वारा हुआ, इसमें कौन कौन था या कौन व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है, तो किसके काल में हुआ था ये सब कुछ। अगर मैं बोलूं दिल्ली दरबार वाला जो केस हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और ये अफगान युद्ध, ये किसके काल में हुआ था भारत में, तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन, किसके काल में, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, एल्बर्ट बिल विवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रथम फैक्ट्री कानून, प्रथम नियमित जनगणना, बाल श्रम उन्मूलन, ये जो विशेष कानून थे इनके लिए कानून कौन लेके आया, तो ये लेके आए थे, ये भी अंग्रेजी थे उस टाइम पर, लॉर्ड रिपन। अगर मैं आपसे बोलूं अगला प्रश्न जो हमारा है, अकर्मण्यता की नीति कौन लेके आया था, तो ये थे जॉन लॉरेंस। कौन थे, जॉन लॉरेंस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंडिया के द्वारा, किसी किस इंडियन द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये किसके गुरु थे अगर बोला जाए, तो ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। आप लोग ये चीज याद रखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा आई थी, तो ये थी गोपाल, इसके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये थे सलीमुल्ला एवं आगा खान, किनने की थी, सलीमुल्ला एवं आगा खान ने 1906। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मुस्लिम लीग की स्थापना तो सलीमुल्ला एवं आगा खान ने की थी। तो आई होप आपको जो हमारे ये टॉपिक्स पे हम जो लेक्चर्स कंटिन्यू बना रहे हैं सबको पसंद आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं हम और ज़्यादा कंटिन्यूस इन पे आपको और वैरायटी लाते रहें, तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करिए कमेंट करके, आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी करिए, इसे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही, आने वाले लेक्चर्स में हम और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.